नमस्कार, मैं हूं रेखा पाल और आप देख रहे हैं वाइब्रेंट लाइव न्यूज। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के लाउड स्पीकर पर दिए अल्टीमेटम की मियाद खत्म हो गई है। इसको देखते हुए मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं औरंगाबाद रैली में नियम तोड़ने के आरोप में राज ठाकरे पर केस भी दर्ज हुआ है। इस बीच MNS कार्यकर्ताओं की धरपकड़ भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर पर 3 मई को डेडलाइन दी थी। राज ने कहा था कि 4 मई के बाद मैं किसी की नहीं सुनूंगा। विवाद के बीच राज ठाकरे ने बाला साहेब का एक पुराना वीडियो शेयर किया है। इसमें बाला साहेब सरकार आने पर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में बाला साहेब कहते हैं, जिस समय मेरी सरकार महाराष्ट्र में आएगी उस समय रास्ते में हो रहे नमाज को बंद करवाए बिना हम नहीं रहेंगे। धर्म ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्रहित के आड़े न आए। सरकार महाराष्ट्र मध्ये येईल त्या वेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाउडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील बंद। लाउडस्पीकर पर चल रहे घमासान के बीच महाराष्ट्र और मुंबई में 1000 से ज्यादा MNS कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। खासकर नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, मुंबई, औरंगाबाद और नासिक में MNS वर्कर्स की धरपकड़ तेजी से की जा रही है। फिलहाल इतना ही। मामले में अपडेट्स के लिए देखते रहिए वाइब्रेंट लाइव न्यूज। निर्भय सत्य, जनता की आवाज।